हम इस टाइम कोई 9:30 बजे हैं हरियाणा के हाई स्कूल बगोला में हैं और यहाँ पे कोई 350 के करीब बच्चे पढ़ते हैं और ये देख रहे हैं आप कि क्लासरूम ना होने की वजह से ये बच्चे जो है बाहर बैठे हुए हैं और धूप भी है यहाँ पर। कई तो हमने देखे हैं कि बच्चे उधर देखे तो उनकी टाट पट्टी भी फटी हुई है। इधर बच्चे आप देख सकते हैं थोड़ा सा दूर है, ये सब ये गैलरी में बैठे हुए हैं और जो अंदर बैठे हुए हैं क्लासरूम्स के अंदर बच्चे, वो उसकी हालत यह है कि छत किसी वक्त भी गिर सकती है। और तो और जो हमने प्रिंसिपल महोदय का रूम देखा है वो भी ऐसा है कि किसी वक्त भी ऊपर से छत जो है नीचे गिर सकती है। और सब बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं कि बरसात में जो है पानी, छत का पानी क्लासरूम में आ जाता है। और तो और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इतनी कम है एक रूम में, तो क्लासरूम में तो कोई ना बिजली है ना बल्ब है ना कोई ट्यूबलाइट है। और ये स्कूल, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं राजकीय विद्यालय बगोला, ये 6-7 साल पहले जो है ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया है, लेकिन आज तक ना तो ये बिल्डिंग डिमोलिश की है ना रिकंस्ट्रक्शन किया है। तो आज जो एजुकेशन का हालत है, और मैं समझता हूँ क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है तो यहाँ पर जो टॉयलेट की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, जो आज के वक्त में हम मॉडर्न फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, वो तो सारी की सारी एब्सेंट है। तो हरियाणा सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, होनहार बच्चे हैं हमारे देश के, और इन पे ध्यान ना देने का मतलब ये है कि हम अपने देश पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हरियाणा की सरकार जो है इस स्कूल को जल्दी से डिमोलिश करके एक नया और मल्टी स्टोरी बना के और स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल बना के, ये जो बच्चे डिप्राइव्ड हुए हैं बेसिक एजुकेशनल फैसिलिटीज से, मुझे लगता है कि इनको बहुत जल्दी वो फैसिलिटी मिलेगी।